एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपके आएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आते हैं, वो सारे आएंगे टॉप लेवल। अब टॉप लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनके थोड़े पहले जानते हैं कि टॉप लेवल के काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि टॉप लेवल वाले में ये याद रखना कि ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव को ही कंसीडर करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है कि जो लोग काम कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट या लीड करते हैं कि एक तरफ लेके जाना या लीड करेंगे कि बी द हेड, आई एम बीइंग द हेड, मैं उनके डायरेक्शन या उनके काम को गाइड करना, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम पावर रहता है, यानी कि वर्किंग एट मैक्सिमम अथॉरिटी। अब टॉप पोजीशन पे तो पावर तो होगा ही। अब फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या इनके काम होते हैं। तो सबसे पहला है कि ये एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अगर हम एंटरप्राइज या बिजनेस चला रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से फिर सारे एम्प्लॉइज की एक्टिविटी या काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाते हैं। तो पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। फिर आता है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रूल्स एंड रेगुलेशन, या कितने दिनों में क्या काम होगा, किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, इस तरीके से पूरे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को डिवाइड करना, प्लान्स और पॉलिसीज बनाना टॉप लेवल का काम होता है। टॉप लेवल ही तो रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल करते हैं। फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय मिडिल लेवल। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि सारी एक्टिविटीज को, या तो मिडिल लेवल क्या क्या काम करेगा उनको वर्क असाइन करने का काम टॉप लेवल का होता है। टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा मिडिल लेवल को, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो मिडिल लेवल परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं टॉप लेवल। फिर आता है फोर्थ उनका काम असेंबलिंग और रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए रिसोर्स तो लगेंगे, जैसे कि एसेट लगेंगे, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग को मशीन लगेंगी, कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, ये सब काम करने के लिए जो भी रिसोर्स लगते हैं मैनेजमेंट को, वो सारे असेंबल कराने की ड्यूटी भी किसके रहती है, टॉप लेवल। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। अब बिजनेस कितना ग्रो करेगा और क्या क्या एम्प्लॉय के लिए अच्छा हो सकता है, बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, ये सारा काम रहता है टॉप लेवल, यानी कि ये वेलफेयर और बिजनेस कितने लंबे समय तक मार्केट में है, सर्वाइवल की भी पूरी अथॉरिटी या पूरी जवाबदारी होती है टॉप लेवल की। फिर आता है लाइसन विद आउटसाइडर एनवायरमेंट, यानी कि वो इंटरैक्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी ऑफिसर्स बैठते हैं वो बाहरी एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से, और फर्दर कोई और अगर प्लांट मशीनरी है या अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर मीडिया है, ये सब से बातचीत करना बिजनेस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। ये बात याद रखना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट और काम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।